नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज 24 लाइव। मैं यूपी में हूं, उत्तर प्रदेश में हूं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हूं। जिस तरीके से किसान का भला कह सकते हैं कि जी वो अभी यूपी में योगी सरकार है तो तमाम वादे किए हैं उन्होंने, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी वादे किए थे किसानों से कि वो किसानों के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे में मेरे साथ एक किसान हैं, एक्स हवलदार किशन लाल जी मेरे साथ हैं और ये जी मेरे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अब फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, काफ़ी समय हो गया उनको और आजकल वो किसानी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसानिंग फार्मिंग कर रहे हैं वो, किसान किसान है बन चुके हैं अब, वो पहले फौजी थे। तो अब जानने की कोशिश करेंगे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको जो सरकारों ने जो तमाम वादे किए हैं वो कैसे लगता है आपको, ठीक है? सर ऐसा है, मैं नायब सूबेदार रिटायरमेंट एक्स नायब सूबेदार किशन लाल मैं रिटायर हुआ हूँ, करीबन 14 साल हो गए हमें रिटायर हुए जी, जी। और यहाँ पर आया हूँ, थोड़ी सी खेती है जी। इसको देखभाल कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पर समस्या सबसे ज्यादा बंदरों की है जी। बंदर इसमें कुछ नहीं होने देते हैं जी, जी। पेंशन भी नाम मात्र किए है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। थोड़ी सी जमीन है, यहाँ पर गाय इतनी छुटी है जी, जी। लोगों ने पाली हुई गाय भी छोड़ दी है जी, जी, जी। और इसके लिए हमें ये बाड़ लगाना पड़ रही है जी। अभी साहब आप इसका एक चित्र जरूर लेंगे जी, जी, जी। ये चारों तरफ से बाड़ लगाई हुई जी, है जी, जी, जी। और रात दिन मैं इधर खेत में पड़ा रहता हूँ जी, 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 और जी। फिर भी बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गाँव के चारों तरफ हजारों हेक्टेयर भूमि ऐसे ही पड़ी हुई है जी, जी। तो ये आप देखिए, ये किशन लाल जी एक मुझे पूछना है आपसे, जब से योगी सरकार आई है उन्होंने गौ हत्या पे जिस तरीके से उन्होंने अंकुश लगाया है, रोका है, तो क्या एक वो कारण हो सकता है गाय बढ़ने का? बिल्कुल सही आपने कहा साहब कि ये जो गाय के ऊपर रोक लगाई हुई है तो घर की पाली हुई भी लोगों ने छोड़ दी, जंगल की तो कहीं ना कहीं डर है वो सरकार। तो ये बड़ी समस्या, हर किसी पूरा गांव परेशान है जी। हजारों हेक्टेयर भूमि ऐसे ही पड़ी है जो कि उपजाऊ भूमि है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं जी, जी। अभी इधर आप थोड़ा सा जी देखेंगे, इसका चित्र लेंगे हमने, मैं आपको बताऊंगा। अभी पास में इनका खेत भी है और उस खेत को भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी बाड़ लगाई हुई है, ये जो ये तार है वो कटीली तार है और इससे इस खेत की सेफ्टी तो होगी होगी, लेकिन वो गाय जो इस खेत में एंट्री करेगी वो काफी जख्मी हो जाएगी और ऐसा चल रहा है। किशन लाल जी मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश। किशन लाल जी क्या कहेंगे, ये जो तार आपने लगाए हुए हैं और इस तार का इफेक्ट क्या पड़ता है गाय के ऊपर? इस तार से तो खैर नजदीक नहीं आती है साहब, फिर भी बंदर इसमें घुस जाते हैं, इसलिए कोई खाने पीने वाली चीज इसमें नहीं कर सकते। अभी आप देखिए सिवाला किया हुआ है जी। इसको तो नहीं छूते हैं जी। तो इसलिए हमने मजबूरन इसको सिवाला पड़ा, इसमें खाने पीने की चीजें उगानी चाहिए, गेहूं है, धान है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मजबूरन हमें ये सिवाला करना पड़ा जी। तो ऐसे ही तुक्के से चला रहा हूँ, नाम मात्र की पेंशन है जी। और परिवार बड़ा हो गया, तनख्वाह कम हो गई जी। जमीन भी नाम मात्र की है जी। वो भी सही हिसाब से कर नहीं पा रहा हूँ। एक तो साहब पहली समस्या बंदरों की है, दूसरी समस्या जो है हमारी ये गाय की है जी। तो ये गाय जो है गांव के चारों तरफ कुछ होने नहीं देती है जी। अच्छा एक सवाल मुझे पूछना है आपसे किशन लाल जी, ये बताइए कि क्या फॉरेस्ट विभाग में कभी कंप्लेन की आप लोगों ने इन बंदरों की? हाँ जी, किया जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ, और क्या अभी सरकार ने जो पैसे थे किसानों के लिए क्या वो पहुंचे हैं आप लोगों के पास? हाँ, कुछ लोगों के पास पहुंचे हैं, 2,000 रुपए जी। हाँ, कुछ लोगों के पास पहुंचे हैं, कुछ के पास नहीं भी पहुंचे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि जिस तरीके से यूरिया और खाद डीपी जितनी भी तमाम तरीके की जो सरकार बोलती थी कि हमने ये काम किए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया है? निष्पक्ष होकर बोलिए आप। ऐसा कुछ नहीं किया है, किसान को उसी भाव में पड़ रहा है जी, जिस भाव में बाजार रेट में ही मिल रहा है जी। हाँ, कोई सस्ते रेट पे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो आय को दुगना करने का भी वादा सरकार ने किया था, तो क्या किया है उन्होंने आय को दुगना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे वादे हैं। तो ये किसान है और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं ग्राम परौर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में हूँ और इस गांव के किसानों का दर्द है। आप मेरे साथ देख सकते हैं इस तरफ कि ये पूरी बाड़ लगाई हुई है और तमाम गाय और बंदरों का ये गांव है,
यहाँ पर तमाम बंदर रहते हैं और वो तमाम लोग हैं जो किसानी यहाँ पर फार्मिंग करते हैं और यहाँ के लोगों का दर्द है, सरकार सुन नहीं रही है, फॉरेस्ट विभाग सुन नहीं रहा है, लेकिन योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो किसानों के हितकारी है, किसानों के बारे में सोच रही है। किसान लाल जैसे हजारों 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 किसान हैं जिनकी 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 बात कोई नहीं सुन रहा है, ऐसे तमाम किसान हैं। और कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ धर्मपाल जी भी हैं, वो भी एक फार्मर हैं, उनसे भी। धर्मपाल जी क्या कहेंगे, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? समस्या ये है सर, भाई मोदी सरकार ने वादा किया था कि गौशाला बनवाएंगे जी, लेकिन वो सुविधा मुहैया नहीं हुई है वर्तमान सरकार के लिए। एक मैसेज वर्तमान सरकार के लिए क्या कहेंगे, किसान तो सभी परेशान है जी, खासकर ये गाय से जी, बंदरों से जी, इनकी फसल आए दिन नष्ट हो जाती है, तो ये तो लहू के आंसू रोते हैं। ठीक है सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये तमाम लोग थे, ग्राम परौर के लोग हैं और परेशान हैं, हताश हैं, सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बस सरकार का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। ये फॉरेस्ट ऑफिस में भी जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारे गांव के बंदरों का कुछ कीजिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। ये लोग तमाम फिर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते हैं, गाय के लिए कुछ कहते हैं, गायों का कुछ कीजिए, अगर आपने गाय गौ हत्या पे वैन लगाया हुआ है तो इन गौओं को कहीं ना कहीं गौशाला प्रोवाइड कीजिए, वो सुविधा भी नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं जो इस देश का किसान है, उत्तर प्रदेश का जो किसान है, वो बर्बादी की कगार पे है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपकी आवाज News 24 Live। हो गया भाई।